चलिए, क्या मैं सुनाई और दिखाई दोनों दे रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, हेलो एवरीवन। चलिए, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डे थ्री में, और डे थ्री में आज हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हमारी क्लास का स्टैंडर्ड रहेगा वो सीबीएसई प्लस कॉम्पिटेटिव दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए देखा जाएगा। कल हम लोगों ने एक फाइनाइट वायर के बारे में डिस्कस किया था, उसमें अलग अलग केसेस होते हैं वो भी डिस्कस किया था। परसों वाली क्लास में हम लोगों ने एक बायट सावट के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बारे में एक लूप के कारण, करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखे थे, उसमें भी अलग अलग केसेस हम लोगों ने देखे थे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कल हम लोगों ने आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए थे कि आप लोगों ने अप्लाई करना है। काफी बच्चों के रिव्यूज आए थे मेरे पास, बहुत अच्छे से बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया था, उन्होंने अपना सॉल्यूशन भी भेजा था। तो आई एम अप्रिशिएटिंग दोज स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की क्लास हम पढ़ने से पहले वही अपना स्टैंडर्ड है कि न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक बारी हम लोग वो सारे फॉर्मुलेज देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक रिवाइज किए, जो हम लोगों ने अभी तक डिराइव किए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायट सावर्ट की। तो बायट सावर्ट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, डी बी दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हालांकि हम लोग फिजिकल क्लास में नहीं बैठे हैं, वर्चुअल क्लास है, बट अगर आप ही मन ही मन में बोलेंगे तो आपके मन की बातें मुझ तक आ जाएगी, तो मैं समझ लूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे बोल रही है। चलिए, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का क्यूब, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था हम लोगों ने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, तो फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई बाई टू आर, स्टैंडर्ड रिजल्ट से बेटा ही। फिर हम लोगों ने एक आर के कारण देखा था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और इनटू अल्फा, और यहाँ पे बोला था अल्फा शुड बी इन रेडियन, अल्फा रेडियन में होना चाहिए। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया फाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। फिर हम लोगों ने इनफाइनाइट का, तो अगर आपको याद ही हो जाए तो रिजल्ट याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। बी इनफाइनाइट के बारे में अगर हम बात करें, इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा बेटे, अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू 90-90 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। फिर हम लोगों ने अलग अलग केसेस देखे थे, अब एक एक केस करके हम लोग थोड़ा सा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को याद होने चाहिए थे, और हम लोगों ने इनको डिराइव भी किया था। आज अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे पास हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, अब समझ में आ गया। इनफाइनाइट वायर की मैं कैसी भी शेप बना सकता हूँ, टोटली मुझ पर डिपेंड करने वाला है। मैंने उसको किसी भी एक एंगल पर ऐसे बेंड कर दिया, ये एंगल मैंने अल्फा बोल दिया, टोटल एंगल जो भी है ये ओ पॉइंट है, ठीक है। और इसके एंगुलर बाइसेक्टर पर, एंगुलर बाइसेक्टर पर यहां से ये डी डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट रखा गया है। हमसे बोला गया कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे। देखिए, हमें क्या निकालना होता है बेटा, कोई भी फाइनाइट वायर आ जाए, सेमी इनफाइनाइट आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, हम लोगों के लिए तो डी अल्फा बीटा यही तीन चीजें चाहिए। अब हमसे क्या बोला गया है कि एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर को हम लोगों ने ऐसे अल्फा एंगल पे बेंड कर दिया, और उसके एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आता है, हाँ जी, अल्फा बाय 2, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब अल्फा बाय 2 पर, अल्फा बाय 2 पर हम लोगों ने क्या निकालना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए, चलो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बना दूं, तो ये अल्फा बाय 2 हो गया हमारे पास, ये पी पॉइंट हो गया हमारे पास, और इस वायर पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, लेट्स से इसको हम ए बोल लेते हैं, तो ये डी हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, अगर ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 90 माइनस अल्फा बाय 2, और ये कैसी वायर है बच्चों, सेम मतलब इनफाइनाइट वायर है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या था कि वायर से उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मान लिया हम लोगों ने, फिर उस पॉइंट के वायर के दोनों एक्सट्रीम्स को ज्वाइन कर दो, तो ये समहाउ एक सेमी इनफाइनाइट वायर बन जाएगी। एक केस के लिए सुपरपोजिशन ये कहता है, एक केस का निकाल लो,
दूसरे केस का इंडिविजुअल निकाल लो, तीसरे का इंडिविजुअल निकाल लो, अगर सभी की डायरेक्शन सेम है तो उनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड पाम रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट इन द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इस वाली वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कहां बेटे अंदर, सिमेट्री है, दोनों में सेम करंट है, तो एक के कारण निकाल लो, डबल कर देते हैं हम लोग। चलिए तो अब हमें डी कैलकुलेट करना है, हमें अल्फा की वैल्यू तो समझ, मतलब जो ये एंगल था हमारे पास अल्फा की वैल्यू या इसको मान लेते हैं हम लोग, चले थीटा वन मान लेते हैं, इसको थीटा वन की वैल्यू तो हमें समझ में आ गई कितनी है बच्चे 90 माइनस अल्फा बाय 2, और जो ये दूसरे एंड को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चे हमारे पास 90, तो थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90। अब बात रहेगी कि हमें डी कैलकुलेट करना है, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे बोलेंगे, डी के लिए देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चों आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये साइड लेंथ हमें ए गिवन है, ए गिवन है तो हमें ये निकालना है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए इस ए का ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, ए का ये वाला कंपोनेंट, ए का कोस, डी की वैल्यू क्या लिख सकते ए कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा बाय 2, ए कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा साइन ऑफ अल्फा बाय 2 लीजिए। देखिए आपको डी भी पता लग गया, आपको थीटा वन यानी अल्फा भी पता लग गया, आपको थीटा टू यानी बीटा भी पता लग गया, फॉर्मूला रख लीजिए, एक वायर के कारण आ जाएगा जो कि दोनों वायर के कारण अंदर ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगेन अ स्पेशल केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट वायर के कारण कैसे भी केसेस क्यों ना आए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। सभी बच्चे लिखिए बेटा वाई फॉर यस एंड फॉर नो, हेलो एवरीवन, हाँ सभी बच्चे लिखेंगे वाई फॉर यस एंड फॉर नो। चलिए अब हम थोड़ा सा और अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली जो हम बात करने वाले वो प्योर इमेजिनेशन पे आने वाला है, क्योंकि इसमें 3D बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आने वाली है बच्चों। अब सुनिए ध्यान से, मैंने बोला कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है ना, डन। मेरे पास ये सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर एक इनफाइनाइट वायर है, ध्यान से सुनना बेटे, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, देखिए ये एक वायर मान लो इनफाइनाइट और ये ऐसे है, ऐसे रखी हुई है प्लेन के अंदर, यानी इस वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है, बात समझ में आई, और कैसा है क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा इनसाइड द प्लेन, यानी इस वाली वायर में जो करंट चल रहा है वो ए डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका क्रॉस का मतलब समझ में आ गया कि इस पॉइंट पर सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक वायर रखी गई है जिसका मतलब क्या इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है और किधर को है बेटे इनसाइड करंट कितना है आई। चलिए जी सेम अगर इधर भी 3 सेंटीमीटर पर मेरे पास एक और वायर है ये भी और इसमें भी सेम करंट चल रहा है आई, तो मैं अलग अलग पोजीशंस पर करंट या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पूछता है। सबसे इजी फॉर्मेट बताता हूं कि हमसे बोला गया कैलकुलेट कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, अब ध्यान से सुनना बच्चों, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वायर है बच्चों, वायर तो ये भी सर, अगर इस बोर्ड के आर पार कर दूं तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें गिवन है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो अल्फा बीटा दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, बात समझ में आती है, हमें डी भी पता है, हमें अल्फा बीटा सब पता है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो बहुत इजी बन गया हमारे लिए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बताइए, इसके कारण अगर मैं B1 बोलूं तो इस O पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू D की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 3, ठीक है। सिमिलरली इसके कारण भी B2 देखिए कितना हो जाएगा, B2 भी यही हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू 3। चलिए B1 B2 का मैग्नीट्यूड देखिए सेम आया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन के लिए फिर समझना बच्चों,
पाम रूल देखिए क्या कहता है, पुट दी थंब ऑफ योर राइट हैंड इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किधर है, अंदर, मैंने थंब को अंदर की डायरेक्शन में रखा, स्ट्रेच दी फिंगर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ये दी मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम किधर है, नीचे, यानी पाम पे 90 डिग्री बना दीजिए, ए ये रहा पाम पे 90 डिग्री, 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझ में आई, थंब आर पोजिशन वेक्टर, और उस पोजिशन वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड कहां पर रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलर, ध्यान से रखना, हमेशा परपेंडिकुलर, तो यहां पर बी वन की डायरेक्शन किधर है बच्चों, ए नीचे की डायरेक्शन में, अब आइए इधर, फिर दोबारा क्या कहता है, पुट दी फिंगर थंब अंदर, स्ट्रेच दी फिंगर कर दिया, अब पाम किधर है बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर, तो बी टू ऊपर है, लो जी बी टू किधर है बच्चों, ऊपर, फिर कह रहा हूं पॉइंट्स पे ध्यान रखना, जो डी है ना, डी डी बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब देखिए ओ पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे, एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, लेकिन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, बी नेट कितना आ गया बच्चे, जीरो। पहले ये बताओ क्या ये केस समझ में आया क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, हेलो एवरीवन, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये केस समझ में आया क्या, सभी बच्चे वाई फॉर यस एंड फॉर नो, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे यस, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब देखिए, एक बारी आईसीएससी एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया सेम इसी से रिलेटेड, इजी न्यूमेरिकल है, फिर इससे एक लेवल आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्टेप्स याद रखना आपको, डी के परपेंडिकुलर बी। चलिए अब क्वेश्चन देखिए कैसे आया हमारे पास, कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और जिसका बेस हमें गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और उसका बेस हमें गिवन है ए, ये हमारे पास बेस है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रह लो भैया राइट एंगल है, तो यहां पर राइट एंगल की फील आनी चाहिए, दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री, ये आर गिवन है हमें, ये भी आर है हमें, अब ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, यहां पर एक करंट कैरिंग वायर है क्रॉस हैविंग करंट आई, यहां पर भी एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, दीज ऑल आर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है बच्चों, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट वायर, लो जी क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन में करंट है, डॉट का मतलब बाहर की डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, चलो करंट दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, क्वेश्चन को और टिपिकल बनाना है तो आई वन आई टू रख लीजिए, कैसा भी रख लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमसे बोला गया कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, अब दोबारा से काम तो कहानी तो वही स्टार्ट करेंगे सर हम लोग, देखिए ये हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, दीज आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट आई एंड आई, क्रॉस का मतलब है अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब है बाहर आ रहा है, इस पी पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। चलिए जी अब कैसे करें, तो दोबारा सब समझिए, ये रहा मतलब वायर, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, लेकिन इस वायर से इस पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होने वाला है, जल्दी बताइए, आर ए या कुछ और, आर ए या कुछ और, जल्दी बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है, आर ए या कुछ और, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखिए अब क्या होगा, ये हमारे पास वायर, ठीक है, इस वायर पे ये अगर मैं बात करूं, ये रहा देखिए, ध्यान से देखिए वायर और ये आर, तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बन रहा है ना 90 डिग्री, दोबारा देखिए वायर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, वायर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि इस केस में डी की वैल्यू आर ही है हमारे लिए, डी की वैल्यू क्या है बच्चों, आर, लेकिन क्वेश्चन में हमें आर नहीं गिवन, हमें ए गिवन है, तो याद करना जो आंसर आएगा वो ए की टर्म्स में आना चाहिए। चलिए जी
आप कैसे करें, देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए बाय रूट टू। लो जी, जब हमें जरूरत पड़ेगी आर की वैल्यू को रख देंगे हम लोग, अभी चलने दीजिए। अब क्या करें, क्या करें, आप बोलो करंट किधर है, अंदर। भाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना, चलिए मैग्नेटिक फील्ड में इनफाइनाइट वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, बी वन की वैल्यू इसको वन मान लेते, ए बी ए की वैल्यू बोलो, बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई डी, और डी यहां पर क्या है बच्चे, आर, ठीक है। अब बी बी देखिए, बी एट बी फॉर्मूला तो वही आएगा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, बस हमें क्या चीज देखना है, डायरेक्शन देखनी है सर। अगर सेम डायरेक्शन होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अलग अलग डायरेक्शन होंगे तो वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्शन का खेल। अब बोलो थंब किधर, करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेच दी फिंगर, एरी फिंगर, ये इस पे 90 डिग्री, बोलो ध्यान से देखना। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन गिवन है, यानी यही हमारे पास बी ए की डायरेक्शन हो गई। ध्यान से देखना बच्चों, चलिए इसके कारण देखिए करंट बाहर, ये रहा, और अब इस पे परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, यानी बी बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई हमारे पास। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इजी था, दैट्स व्हाई यहां पे दोनों की डायरेक्शन है पहले दे दी आपको, कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अभी जो अगला क्वेश्चन करने वाले वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, ध्यान से सुनना। चलिए इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब हम बात करें कि यहां पर दोनों के कारण देखिए, इस पी पॉइंट पर इधर भी बी है, इधर भी बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है बेटा, बी नेट कितना हो जाएगा बच्चों, बी नेट बोलिए जल्दी, अंडर रूट ऑफ बी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर प्लस टू बी ए बी बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 ये वाला फैक्टर तो जीरो। तो देखिए क्या है, बी नेट की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, अंडर रूट ऑफ बी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, लेकिन हमें दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बी ए दिस इज इक्वल टू बी बी, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, दिस इज इक्वल टू बी, तो वहां से बी नेट कितना आ गया बच्चों, बी नेट आ गया हमारे पास रूट टू बी, सही है ना, बी की वैल्यू रख दो यहां पर, तो बी नेट कितना आया बेटे हमारे पास, रूट टू इंटू म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। अब हमें आंसर आर में नहीं चाहिए, हमें आंसर ए बाय रूट टू की टर्म्स में चाहिए, तो आर की वैल्यू को ए बाय रूट टू रख दो, विल गेट दी आंसर। मैं फिर कह रहा हूँ आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपको प्रोसीजर याद होना चाहिए, अगर प्रोसीजर याद हो गया तो क्वेश्चन इजी रहता है, अगर प्रोसीजर याद नहीं हुआ तो यही क्वेश्चन में जब आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आते हैं तो बच्चा एकदम फ्यूज हो जाता है कि क्या करे क्या करे, ये तो बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन आ गया, विचित्र क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक फंडा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई भी प्लेन है ना, इस प्लेन के अंदर कहीं से भी उस पर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो याद कीजिए एक लाइन पर इनफाइनाइट आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं। अगर एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, तो इस पे कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करो, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाली है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर भी यूज करने वाले हो। चलिए बहुत अच्छी बात, अब यहां से एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं, क्या ये चीजें समझ में आएगा। हाँ प्लीज राइट फॉर, प्लीज राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। चलो अब ध्यान से सुना, सेम क्वेश्चन देता हूं बट थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं ना। हाँ डेटा चेंज कर देते हैं हम लोग। चलिए डेटा कुछ इस प्रकार है बच्चों, ये वही x बना, ये वही y बना, ये ओरिजिन बना हमारे पास, यहां से 3 सेंटीमीटर पर एक वायर है हमारे पास, डन है, इनफाइनाइट वायर है बच्चे ये, दिस इज इनफाइनाइट वायर,
इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट आई, यहां से भी 3 सेंटीमीटर पर ही हमारे पास एक वायर है, ये भी क्रॉस ही है, क्रॉस का मतलब अंदर ही है, ठीक है। अब हमसे बोला गया इस पी पॉइंट पर जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर, इस पी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले केस में क्या हो रहा था। पहले केस में ये वाला एंगल ही 90 डिग्री बन रहा था, यानी इस वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर था और इस वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो हम लोगों को डायरेक्ट आंसर निकल गया था कि रिजल्टेंट 45 डिग्री पर जाने वाला है, क्योंकि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो रिजल्टेंट हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर पर आ जाते। अब इस केस में देखिए, ठीक है वायर तो अंदर ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी ये हो जाएगा, ये 3 है ये 4 है तो ये कितना बना 5, यानी d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 5, ठीक है ना। इधर भी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5, तो दोनों केसेस में d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 5। याद है ना आपके पास ट्राइंगल होता है 3, 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5, ये आ गया, तो ये तो 5 आ गया। अब अगर एंगल की बात करें तो एंगल कितना बना, एंगल कितना बना, जल्दी बोलो। चलिए जी देखिए, ये 90 डिग्री बना बच्चों, ये 3 बना बच्चों, ये 4 बना, तो ये एंगल 37। कल आप लोगों को ट्राइंगल लिखवाया भी था, याद करना, याद कर लेना इसको 3, 4, 5, 37, तो 3, 4, 5, 37, दूसरा कितना बन जाएगा 53। अब बात देखो क्या है, याद करो ये वाली वायर तो परपेंडिकुलर है ना, और इस डी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, रीजन समझ में आ गया आपको, जल्दी बताइए, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा भैया, ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी तो 37 बनेगा, तो ये टोटल एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं बना, तो 90 डिग्री कहां बनेगा सर, 37 में कुछ ऐड करो कितना 53, यानी जो B1 की वैल्यू है ना, B1 की वैल्यू अब यहां पर गई बच्चों, और ये वाली वैल्यू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53। अब देखो इस वाली वायर पर ये वाला पॉइंट यानी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आ गई B1, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या पॉइंट, सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या, अगर यस तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो रिपीट कर रहा हूं, जल्दी बताइए। बोलो ये समझ में आया क्या, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए हमने क्या बोला था कि जो आपके पास वायर अंदर है, स्ट्रेच द फिंगर, ये रहा इस पे परपेंडिकुलर है ना, अब इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी बच्चे, ये तो वायर रही और इस वायर पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लास्ट वाले केस में हमने क्या किया था, इस वाली वायर पे ये था, वो क्यों था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंगल गिवन था हमें डेटा में, गिवन था ना, तो हमने बोला B1 इसके अलोंग हो जाएगी, B2 इसके अलोंग हो गई। लेकिन अभी देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल अगर थोड़ा सा याद है तो ये एंगल 37 डिग्री बना, इसके साथ ये वाला एंगल 37 डिग्री बना। अब इस लाइन पर 90 डिग्री ड्रॉ करना, तो 90 डिग्री का मतलब इधर 53 एंगल हो रहा है, ऐड करो, याद करो 53 प्लस 37 90 होता है, तो ये अब इस लाइन पर नहीं आएगी, थोड़ा सा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ आएगी। बोलो इतना समझ में आया क्या, सभी बच्चे बोलेंगे प्लीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा समझ में नहीं आया, परफेक्ट परफेक्ट। दोबारा सुनिए, देखिए हम क्या कह रहे हैं, अरे भैया सिंपल सी बात देखो, लो स्टार्टिंग से देखो, करंट ये रहा, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आई डी एल साइन थीटा डी एल क्रॉस आर, या हमने क्या बोला था, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, ये जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, दिस इज योर आर पोजीशन वेक्टर, ये रहा, और इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आई
R and this is the direction of magnetic field. I current, R आपके पास position vector और उसपे perpendicular होती है magnetic field. बोलो इतना समझ में आया? चलिए अब हमने बोला ये तो करंट है हमारे पास अंदर वायर, वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस वाली लाइन के 90 डिग्री पे बनाओ एंगल, 90 डिग्री पर. तो ये एंगल कितना बना, हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो से, ये 3 है ये 4 है तो ये बना 37. तो इस लाइन पर 90 डिग्री कहां बनेगा बेटा, ये 90 डिग्री बना, यानी 90 डिग्री बनने के लिए हमें कितना और शिफ्ट होना पड़ेगा, 53 डिग्री और शिफ्ट होना पड़ेगा. नाउ 37 प्लस 53, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर बन गया. बोलो आप समझ में आया क्या? यस सर, वेरी गुड. अब सिमिलरली ऐसे देखिए इधर, अभी भी करंट तो ऐसे ही है, ये वाला आर वेक्टर है. अब हमें इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास B2 आ गया, ये हमारे पास B2 आ गया. बोलो देखिए समझ में आया क्या, जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे. इस वाली लाइन के ये परपेंडिकुलर आ गया, तो ये B1 ये B2. बोलो समझ में आया क्या, ये वही 53 डिग्री बना, ये वही 37 डिग्री बना, ठीक है ना. तो यहां से ये कितना बना, 53 डिग्री बना. बोलो समझ में आएगा, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे. इस वाली लाइन के ये परपेंडिकुलर, जल्दी बोलो, ये 90 डिग्री बना. जल्दी बोलिए बच्चे, समझ में आया क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में देखिए, यही तो लेवल होता है बस, जो हमारे सीबीएसई में डेटा देते हैं वो थोड़ा इजी देते हैं कि चलो बच्चा इजीली कर लेता है. हम चीजों को रट के बैठते हैं, हमारी प्रॉब्लम ही होती है, हम कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पकड़ते. हमें तो भाई ये दिखाई दे रहा, अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है, तो हम हर क्वेश्चन पे ऐसे ऐसे करते. अगर मैं आपको यहाँ पे बेसिक नहीं बताता ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ऐसे करके ना खत्म कर देते. इसलिए कह रहा हूँ चीजों को पकड़ के चलो, उनको मेमोराइज करो, तब जाके चीजें क्रिस्टल क्लियर होती है. बताइए आप समझ में आया क्या? अब इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ अच्छे से, अब होपफुली आप सभी को समझ में आ जाएगा ये. चलिए देखिए हमने क्या बोला, आप ध्यान से सुना बेटा, एक बार ये रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला पॉइंट वायर, ये वाली वायर, इन दोनों के बीच का ये सेंटर, ये लाइन 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और हमें कहां पे निकालना है, 4 सेंटीमीटर. तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, यानी 5, यानी डी की वैल्यू तो आ गई 5. चलिए जी, प्योर 9वीं 10वीं का मैथ्स है. तो ये एंगल कितना बना, 37 डिग्री. अब ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस डी पे नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल का मतलब ये रहा, तो ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ये 90 डिग्री बना, ठीक है ना. आप इस पे देखिए, ये 90 डिग्री नहीं है बट, क्योंकि ये तो अभी भी कितना होगा, 37 डिग्री. अब इस वाली वायर पे ये तो B1 हो गया, इस वाली वायर पे 90 डिग्री कहां होगा, ये B2 होगा. लो जी, ये क्या होगा, B2. जल्दी बताइए क्या ये चीजें समझ में आई क्या? जल्दी बताइए क्या ये चीजें समझ में आई? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलिए बहुत अच्छी बात. चलो तो मैं कह रहा हूं अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच का थीटा पता होना चाहिए. चलिए, नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड बिटवीन एंगल बिटवीन B1 एंड B2. मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2π × 5, 5 क्या बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और B2 का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाय 2π × 5. चलिए देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस अब तुम्हारा टास्क रहेगा ना, दिस इज योर क्वेश्चन, मेरा काम खत्म. आपको B1 और B2 के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, और एंगल कैलकुलेट कर लिया, अब वो 60 डिग्री आए, वो 90 डिग्री आए, वो 37 डिग्री आए, वो 53 डिग्री आए, वो कुछ भी आए, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो यहां से एंगल निकालना है ना. आती ना क्या निकालना है, पैरेललोग्राम रूल लगा देंगे, बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos ऑफ थीटा. नाउ ये थीटा आप लोग कैलकुलेट करेंगे, बताइए
चलिए इतना आप कर लेंगे, वेरी गुड परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, अब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। एचसी वर्मा का 24th क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोला गया उन्होंने कि हमारे पास एक वायर है, वायर जिसकी टोटल लेंथ 2πr है, वायर की लेंथ ही 2πr, मतलब एक सर्कुलर वायर है बेसिकली, उसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ हमारे पास दे दी 2πr, लेंथ हमारे पास दे दी 2πr, ये लेंथ गिवन है, और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। बोला गया इस वाली वायर का, जो कि वायर थी जिसकी लेंथ 2πr है, उस वाली वायर का एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, n टर्न्स, कितनी भी शेप बना लो आप, n टर्न्स का रेगुलर पॉलीगन उन्होंने बना दिया। समझ में आ गया ना, पॉलीगन बोले तो मेनी साइड्स, उन्होंने बोला n साइड्स का रेगुलर पॉलीगन बना दिया, ठीक है जी। तो अब उन्होंने बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। पहली बात तो दोबारा सुनिए क्या है कि हमारे पास टोटल लेंथ l गिवन है, l की वैल्यू कितनी है 2πr, और हमसे बोला गया उसमें करंट चल रहा है I, और n साइड्स है उसमें, n साइड्स पॉलीगन है, वो n कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, व्हाटएवर कुछ भी। तो हमसे बोला गया कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, पहली बात तो ये। चलिए पहली वही निकालते हैं। तो हमें क्या बोला गया कि हमें एक रेगुलर पॉलीगन बनाया गया जिसकी n साइड्स है, n साइड्स है भैया। चलिए करंट ये ना बेटे, आई आई आई, अच्छा अगर n साइड्स है तो एक बात बताओ, देखिए पहले बताइए ये एक फाइनाइट वायर बनी क्या? हां जी सर, ये भी एक फाइनाइट वायर बनेगी, बिल्कुल सर, ये भी एक फाइनाइट वायर बनेगी, यस सर। ऐसी कितनी वायर्स बनेगी? n वायर्स बनने वाली है, बनेगी ना भैया, आप कितनी भी टर्न्स लगा दे वो n टर्न्स है, हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, बोला गया कितनी भी टर्न्स हो सकते हैं, चलिए हो गया। अब ये बताइए क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं दो मिनट के लिए? अरे सर ये तो फाइनाइट वायर वाला केस बन गया, पहली बात तो, लेकिन ध्यान से रखना पहले। अब ये देखो क्या सभी वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है या अलग अलग है? तो देखिए करंट इस डायरेक्शन में, पाम बाहर है, करंट इस डायरेक्शन में, पाम बाहर है, करंट इस डायरेक्शन में है, पाम बाहर है, यानी सभी के साथ मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो क्यों ना एक वायर के कारण निकाल लूं, एन से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर आ गया, बताइए इतना है नहीं है। बट हमें और कोई डेटा गिवन नहीं है, ना हमें डी गिवन है, ना हमें अल्फा गिवन है, ना हमें बीटा गिवन है, हमें कुछ भी नहीं गिवन है। बट हमें क्या बोला गया कि टोटल लेंथ वायर की है 2πr, और उससे एन साइड पॉलीगन बनाया, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए जी आप कैसे करें, कैसे करें? तो सेंटर मान लिया, ये है सेंटर, इस सेंटर से भैया ये ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब इस वायर से हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो स्टेप नंबर वन क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यानी ये तो डी बना, लेकिन हमें कुछ भी तो नहीं पता, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं, कितनी लेंथ है 2πr, तो n साइड से कितनी लेंथ मिलके, n साइड मिलके कितनी लेंथ बनेगी बच्चे, 2πr, तो एक साइड में कितनी लेंथ होगी, 2πr by n, बोलिए, यानी ये लेंथ हमें पता लग गई, कितनी पता लगी बच्चे, 2πr by n। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन बिल्कुल सेंटर पे कट करने वाला है, यानी ये आधी लेंथ हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, पाए आर बाय एन एंड पाए आर बाय एन। चलिए जी अब एक बार बताइए, जब ये पूरा रेगुलर पॉलीगन क्लोज पॉलीगन बन जाएगा तो एंगल कितना सस्टेन करेगा, 2πr, पूरा एन साइड मिलकर 2πr करेगी, तो एक साइड कितना एंगल सस्टेन करने वाली है, तो टोटल एन साइड मिलकर बनाएगी 2πr एंगल, तो एक साइड कितनी बनाएगी बच्चे, 2πr बाय एन सेंटर से, तो ये टोटल एंगल बना 2πr बाय एन, तो आधा कितना बना, अरे सर पाए बाय एन,
इधर भी कितना बना पाई बाय एन। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा फिगर समझ में आ गया कि सर ये एक फाइनाइट वायर जिसकी लेंथ कितनी गिवन है बच्चे, 2 पाई आर बाय एन, और यहां से डी डिस्टेंस पर ओ पॉइंट है, और ये एंगल कितना हो गया बेटे पाई बाय एन, और ये भी एंगल कितना हो गया बेटे पाई बाय एन। ध्यान से देखो, अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, यानी अल्फा कितना है बच्चों पाई बाय एन, बीटा कितना है बच्चों पाई बाय एन। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें डी चाहिए सर, डी डी इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाता हूं, ये बना, देखिए ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों पाई आर बाय एन, पाई आर बाय एन, ये एंगल कितना बच्चों पाई बाय एन, ये हमें डी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखिए क्या है, हमें डी कैलकुलेट करना है, यानी बेस हमें परपेंडिकुलर पता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट थीटा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय एन, कॉट थीटा की वैल्यू पाई बाय एन, तो बेस कितना आ गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे पाई आर बाय एन इंटू कोट ऑफ पाई बाय एन। चलिए अब तो क्वेश्चन खत्म, ये एक वायर के कारण आएगा, और एन वायर के कारण कितना हो जाएगा सर, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, आ गया रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे। अब देखिए क्या बना हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड देखिए बी वन इस वाली वायर के कारण, म्यू नॉट आई बाय टू पाई डी, डी की वैल्यू कितनी रख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, पाई आर बाय एन कोट ऑफ पाई बाय एन इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, लेकिन ध्यान से देखो अल्फा और बीटा दोनों सेम है, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाय एन, लो जी पाई बाय एन। ये एक के कारण आया ना बच्चों, टोटल के कारण कितना आएगा, टोटल के कारण कितना आएगा, अब निकाल दी तो बी नेट कितना आ गया बच्चों एन टाइम्स ऑफ बी वन, एन टाइम्स ऑफ बी वन। जल्दी बताइए क्या ये चीजें समझ में आई क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये चीजें समझ में आई क्या, सभी बच्चे y फॉर यस n फॉर नो, राइट y फॉर यस n फॉर नो, राइट y फॉर यस n फॉर नो, जल्दी लिखिए बेटे राइट y फॉर यस n फॉर नो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अब इसी वाले पार्ट में ना उन्होंने एक और सेकंड पार्ट जोड़ा था कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी जो ये रेगुलर पॉलीगन की n साइड्स मानी थी ना हम लोगों ने, कह रहा अगर ये n इनफाइनाइट हो जाए तो जो ये रेगुलर पॉलीगन है ना ये एक सर्कल बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा सर्कल बन जाएगा, हैविंग रेडियस r, हैविंग रेडियस r। तो कह रहा अब उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए। ये इसका सेकंड केस है और जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी वाले पार्ट में आती है। अब देखिए हमें बी नेट कैलकुलेट करना है, तो बी नेट देखिए कितना आया, चलिए बी नेट की वैल्यू बताइए, तो बी नेट कितना आया बच्चे, बी नेट की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास एन इंटू बी वन, बी वन की वैल्यू देखिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वेयर आर बाय एन, 2 पाई स्क्वेयर आर बाय एन, एन ऊपर चला गया एन स्क्वेयर बन गया, इंटू 2 साइन ऑफ पाई बाय एन, और ये कोट ऊपर जाके टेंजेंट पाई बाय एन हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाय एन। देखो ठीक है, ध्यान से समझ में आया, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, 2 2 विल कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई बाय हम लोग सही कर रहे हैं ना, 4 पाई आर आएगा ना, ये 4 पाई आर होता है फाइनाइट वायर के कारण। चलिए
म्यूनो टाई बाय, यहाँ पे फोर आएगा, ये टू बचा, म्यूनो टाई बाय टू। अब देखिए आर को आर लिख दिया, अब ऊपर एन स्क्वायर है, नीचे पाई स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ पाई बाय एन डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, पाई और जो एन ऊपर है ना उसको नीचे लेके आ रहा हूं, यानी इसको पाई बाय एन लिख रहा हूं। सिमिलरली टेंजेंट पाई बाय एन को भी मैंने पाई बाय एन लिखा। देखिए ध्यान से सुनिए, पाई स्क्वायर नीचे तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और एन स्क्वायर को नीचे ले आया मैं तो एन इंटू एन स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ एन टेंस टू इंफिनिटी, तो इफ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी तो बी नेट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर n टेंस टू इंफिनिटी, अगर मैथ्स आपको आता है बहुत अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी sin पाई बाय n बाय sin पाई बाय n, ये वाली वैल्यू भी 1 होती है और ये वाली वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1, तो हमारे पास बी नेट क्या बना बच्चों, बी नेट की वैल्यू बनी हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2r, और याद करो सर्कल के सेंटर पर हम लोगों ने यही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी देखी थी। देखिए ध्यान से सुनिए, फिर कह रहा हूं कि उसने दो पार्ट थे कि रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे निकालो तो ये आ गई, फिर बोला कि अगर वो n जो हम लोगों ने n साइड्स मानी है अगर वो टेंडिंग्स टू अप्रोच मतलब इनफाइनाइट हो जाए, तो बताइए वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक रेगुलर मतलब एक सर्कल बनेगा और सर्कल की लेंथ हो जाएगी 2 पाई, जिसका रेडियस हो जाएगा r, तो कह रहा है सेंटर पे निकालिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोगों को समझ में आया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो म्यू नॉट आई बाय 2r, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से वो किया कि n स्क्वायर को नीचे लेके आ जाए पाई स्क्वायर बाय n, तो ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बना, इस रिलेशन में फंक्शन की वैल्यू आ गई 1, तो बाकी जो बचा वो बचा म्यू नॉट आई बाय 2r, और म्यू नॉट आई बाय 2r क्या होता है, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इतना समझ में आया क्या, आया तो राइट फॉर यस एंड फॉर नो, जल्दी फटाक से लिखिए बच्चों, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, यानी ये जो ऐसे 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 ये था ना, ये बहुत छोटा छोटा कर दूं तो मैं एक सर्कल ही बन जाएगा। चलिए अब देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, पहले थोड़ा फील करना, अगर समझ में आए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो मैं फिर कह रहा हूं फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको मेथड समझ में आ गया, आपको अप्रोच समझ में आ गई, तो आई बेट आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, दैट इज फॉर श्योर, ये कंफर्म है। अभी आप अपनी जो भी आप लोगों की रेफरेंस बुक्स है ना वो उठाइए और क्वेश्चन करने लग जाइए, 10 से 12 पॉइंट्स आप लोगों को बताइए वो बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, अगर रुक जाता है तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ आप में कुछ स्किप हो गया है, बट ये पक्की बात है कि अभी तक कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होगा। चलिए अब देखिए एक और, अच्छा एक चीज और बताता हूं, थोड़ा फील करना, मान लो इसको वायर मान लेता हूं, दिस इज अ वायर, मान ली वायर है हमारे पास और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया, अगर इस वायर को मैं हैमर से लेके ऐसे ऐसे पीटना स्टार्ट कर दूं तो आपको नहीं लगता ये वायर कुछ ऐसे फैल जाएगी, आपने देखा भी होगा अगर हमारे पास घर में मोटी वायर होती है तो अगर मैं उसको पीट दूं तो वो बहुत थिन मतलब पतली सी वायर बन जाती है ना। देखो सुनो, ये वायर थी हमारे पास जिसमें आई करंट चल रहा है, ठीक है, मैंने इसको हैमर का यूज करके ना पीट दिया तो ये बहुत पतली सी वायर बन गई, ऐसी समहाउ एस टाइप की वायर, ध्यान से सुनो बच्चे, बहुत पतली वायर, बहुत पतली वायर, लेकिन अभी भी क्या खासियत है इसकी, सर करंट अभी भी आई है, ए लो जी ऐसी वायर बन गई, ये बनाने के लिए इतनी बड़ी बना दी आप लोगों के लिए, लो जी जिसकी लेंथ कितनी बन गई बेटा, ए बन गई, अभी भी करंट कितना जा रहा है बच्चे, करंट आई जा रहा है भाई, ध्यान से सुनना, अब हमसे बोला गया कि वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, देखो अगर इसके कारण यहां पर पूछा जाता इनफाइनाइट वायर,
इसके कारण यहाँ पे पूछा जाता तो क्या बड़ी बात हो गई सर, रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, यानी टू पाई डी बोलो। लेकिन अब क्या कर दिया उसने, वायर लिया और वायर को पीट दिया, तो ये वायर कन्वर्ट इनटू दिस वाली वायर। खासियत क्या है, बहुत पतली सी एक वायर बन गई हमारे पास ऐसी शेप की। अब हमसे बोला गया यहां से एल डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए। लो जी बन गया टिपिकल क्वेश्चन। दोबारा देखिए क्या ये चीजें समझ में आ रही है। यस सर, वेरी गुड। तो बताइए चलो कैसे करेंगे हम लोग। हमसे क्या बोला गया कि ये वायर थी, इस वायर को पीटा गया मतलब हैमर का यूज किया, तो ये कुछ ऐसी शेप में बन गई, ऐसी शेप में बन गई। तो हमसे बोला गया इस वाली वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। अब माय क्वेश्चन इज क्या आप लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। जल्दी 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 जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे करेंगे सर? तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें सर? वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताइए, वैसे आपको फिगर में भी देख के समझ में आ रहा होगा कि ये वाली दो ये ऐसी स्प्रेड वायर हो गई है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ छोटी 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 वायर्स। देखो ऐसे समझ लो, इस वायर को जब हम लोगों ने हैमर से यूज किया तो मेरे हाथ में कन्वर्ट हो गया, और ये हाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत छोटी 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 वायर, और उस छोटी वायर की ये dx, ये भी dx, ये क्या है बेटा उसकी विड्थ, थिकनेस, बहुत छोटी सी थिकनेस की ये छोटी सी वायर ले ली। क्या वो छोटी सी वायर, अब देखना यहां से x दूरी पर जाकर एक dx की बहुत छोटी सी वायर ले ली मैंने, बहुत छोटी सी वायर जिसकी थिकनेस कितनी है dx। देखना अब क्या ये dx वाली वायर विल बिहेव एज अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। यस सर, बट अब इस पूरी वायर में करंट है आई, पूरी वायर में करंट आई है, तो dx में कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ ना। देखिए पूरी वायर की लेंथ कितनी है a, तो a लेंथ में कितना करंट है आई, तो वन यूनिट लेंथ में कितना होगा बच्चे आई बाय ए। तो इस छोटी सी वायर की थिकनेस dx में कितना करंट होगा सर? आई बाय ए इंटू डी एक्स। ये क्या बना बच्चों? छोटा सा करंट बना di। किसमें बना बच्चों? इस वाली वायर में बना, इस वाली वायर में छोटा सा करंट बना, कितना di, और di की वैल्यू कितनी आ गई आई बाय ए इंटू डी एक्स। जल्दी बताइए आई बाय ए इंटू डी एक्स। अब तो फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ये इनफाइनाइट वायर बनी बच्चों, इनफाइनाइट वायर में देखिए इनफाइनाइट वायर से कितनी दूरी पर है x, तो फॉर्मूला क्या है डीबी का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताइए, म्यू नॉट i की वैल्यू i नहीं रखेंगे क्या di रखेंगे, di बाय 2 पाई इनटू x, x क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, निकाल दो ना x। अब ये बताइए ये फॉर्मूला किस किस को लिखना है, जल्दी 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 बताइए ये फॉर्मूला किस किस को लिखना है, जल्दी बताइए ये फॉर्मूला किस किस को लिखना आया, सभी बच्चे बोलेंगे ये फॉर्मूला किस किस को लिखना आया। नहीं बेटा हमने कोई जनरल सिचुएशन लिया, जनरल सिचुएशन लिया, एंगल चेंज नहीं होंगे, इनफाइनाइट वायर है कहीं पर भी ले लो 90 डिग्री ही बनने वाला, टेंशन मत लेना, इनफाइनाइट वायर है कहीं पर भी ले लो 90 डिग्री ही बनने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है कि यहां लूंगा एंगल चेंज हो जाएगा ना, इनफाइनाइट 90 अल्फा 90 बीटा 90 दैट्स इट। चलिए हाँ वेरी गुड। तो आप क्या करें ये फॉर्मूला लिखना आ गया सर। देखिए अब ये एक इनफाइनाइट वायर बन जाएगी जिसमें करंट कितना है डी आई नॉट आई, आई तो पूरी में है, तो इसमें कितना है यूनिटरी मेथड से निकाल दिया हम लोगों ने, तो फॉर्मूला क्या बना वही म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, म्यू नॉट आई की वैल्यू हो गई डी आई और टू पाई एक्स की वैल्यू हो गई। लो जी अब आ जाओ अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब इंटीग्रेशन कैसे करें चलिए सर डीबी का इंटीग्रेशन बेटा आप ध्यान से सुनना, म्यू नॉट बाय टू पाई कॉन्स्टेंट ले आइए, डीआई की वैल्यू देखिए आई बाय ए डीएक्स बाय एक्स,
यानी mu not I by 2 pi a, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन देखिए x dx के रेस्पेक्ट में। अब एक बार बताइए ये x की लिमिट कहां से है, तो हमने यहां से x माना है ना, तो इस वायर के दोनों एंड्स तक पहुंचना है हमें, देखना। तो अगर इस पॉइंट से ये वाली लाइन देखूं तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है, l, क्योंकि ये पॉइंट l दूरी पर है यहां से, तो x की इनिशियल लिमिट तो बनी l, और यहां से ये वाली लिमिट कितनी बन जाएगी बेटा, a प्लस l। तो यानी x की लिमिट कहां से कहां, वायर के पूरे वायर के अक्रॉस तो निकालनी हमें है ना, तो यहां से कितनी दूरी पर है x, l दूरी पर है, और यहां से वहां कितनी दूरी पर है, a प्लस l दूरी पर है। तो लिमिट रख दीजिए बेटा, x की लिमिट कहां से कहां, l से x की लिमिट a प्लस l, और ये मुझे कराना नहीं होगा भाई, प्योर इंटीग्रेशन है, 1 by x dx का इंटीग्रेशन। बताइए 1 by x dx का इंटीग्रेशन बताइए, वेरी गुड डॉली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए 1 by x dx का इंटीग्रेशन। सर नेचुरल लॉग, चलिए जी, यानी b का फॉर्मूला क्या बना बेटे, म्यू नोट i by 2 pi a नेचुरल लॉग ऑफ मोड x। ये मोड x क्यों लिखा, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। लिमिट बोलिए l की l से लेके l प्लस a, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो b दिस इज इक्वल्स टू म्यू नोट i by 2 pi a log of l प्लस a माइनस log of l, ठीक है ना। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m by n। चलिए जी b वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नोट i by 2 pi a log of l plus a by l। लो जी बच्चों ये नेचुरल लॉग, बोलो यहां तक समझ में आया क्या, वेरी गुड, जल्दी बताइए सभी बच्चे। क्या आज का लेक्चर, मैं फिर कह रहा हूं हम लोगों का ट्रेंड होता है बच्चे, पहले बेसिक बताना, फिर धीरे धीरे सीबीएसई की तरफ लेके जाना, और फिर सीबीएसई से एक स्टेप ऊपर लेके जाना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सीबीएसई में स्कोरिंग 100% या 95% मार्क्स, ठीक है हम लोगों को डीयू में कोई ग्रेजुएशन कोर्स में हेल्पफुल हो जाएगा, या हम लोगों का हो सकता है अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग सोच है, बट फॉर आईआईटी जेईई या नीट के लिए वो नॉलेज थोड़ी सी कम रह जाती है। इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि जितना मुझे आता है ना बच्चों, कोशिश करूंगा उतना आप लोगों तक मैं कन्वे कर दूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप लोगों की रेगुलरिटी चाहिए। आप अगर रेगुलर रहेंगे तो दैट इज फॉर श्योर फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकली आप बहुत साउंड हो जाएंगे। अभी आप देखना अपनी अपनी जो भी रेफरेंस बुक आप लोगों के पास है, उस रेफरेंस बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाना अप टू इस वाले टॉपिक तक, तो यू विल रियलाइज, अरे वाओ ये तो होता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो हो गया, ये तो आ गया, ऐसा होता है। बट फिर वही कहूंगा, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट खुद बे खुद आपको याद होते चले जाएंगे। चलिए अब हम बात करते जाते जाते थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं मिक्स की, कुछ सर्कुलर वायर के केसेज और कुछ वैसे। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ ये सारा लेक्चर आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, रिजल्ट याद हो जाना चाहिए, बस बाकी तो सब खेल प्रैक्टिस का होता है। रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो हम लोग धीरे धीरे बहुत अच्छा लेवल हम लोग अपना लेके चलेंगे। चलिए अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, करने का तरीका बता दे रहा हूं। ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस इसका ए है, इसका रेडियस बी है, करंट ऐसे चल रहा है, आई मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा है, अल्फा कुछ भी हो सकता है बच्चे, 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, इट में भी एनी एंगल, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बोला कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब मेरे बच्चे सुनिए ध्यान से, जब भी आपको ऐसी टाइप्स की वायर आए तो आप लोगों का दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहिए। कैसे, देखिए एक आर्क ये बनी, एक आर्क ये बनी, एक वायर ये बनी, एक वायर ये बनी, यानी मैं इस पार्ट को चार कंडक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूं, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 4 कर दिया हमने। अब देखिए
मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप लोगों को डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड लेना आना चाहिए। ये तो भैया आर्क बना, तो आर्क का फॉर्मूला क्या है, मीन रूट आई बाई 4 पाई आर इनटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे। ये डायरेक्शन देखिए। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए आप लोग, अगर आपके पास, अब ध्यान से सुना, ये दो डायरेक्शन है, वैसे तो मैं एक ही चीज को फोकस कराता हूँ कि आप लोगों के लिए इजी रहेगा, पाम रूल या आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं तो कुछ किताबों में अलग अलग नोटिफिकेशन भी गिवन है, वो भी समझ लीजिए। अगर स्ट्रेट वायर है तो अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और पाम किधर है बेटे, अंदर, यानी इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आपके पास वायर, वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अगर आपके पास सर्कुलर वायर आ जाती है, सर्कुलर वायर स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद कर लेंगे, तो आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स है ना, उनको कर्ल कीजिए, कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो बाहर, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अंदर। ये आपके पास कर सर्कल या कोई भी कर पाथ में आ जाए, वरना हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो लगा ही सकते हैं, ये रहा डीएल, ये रहा आर, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाहर, नहीं तो आपको याद क्या करना है, स्ट्रेट वायर में थंब आपका अंगूठा, थंब हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट देगा और पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या करेगा, कर्ल में कर्ल फिंगर विल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें थंब क्या देगा बच्चों, थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और इसमें थंब क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक नियम अलग अलग यूज ना करके ना स्टैंडर्ड चल लो, फिर भी अगर स्टैंडर्ड में इश्यूज आते हैं तो बहुत बच्चे, मोस्टली बच्चे 98% बच्चे इन्हीं को फॉलो करता है, तो दोनों बता दिया। चलिए अब बताइए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अच्छा चलो, तो B1 के कारण बाहर, B3 के कारण अंदर, लेकिन B4 और B2 के बारे में क्या ख्याल है? सर B4 और B2 तो वायर के सामने पॉइंट है, और कोई भी वायर के सामने पॉइंट आएगा या तो थीटा 0 बनाएगा या थीटा 180 बनाएगा, बाइट सावर्ट में साइन थीटा की वैल्यू आती है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला, ये चीजें याद रखनी है बस। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके कारण बनेगा बेटा, एक तो B1 के कारण और एक B3 के कारण। B1 कितना बनेगा बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ए रेडियस बना उसका, साइन ऑफ मतलब इनटू अल्फा, कहां पर है बेटे, बाहर, बाहर का मतलब डॉट। B3 बोलो बच्चे कितना बना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई बी इनटू अल्फा, कहां पर है बेटे, अंदर। अब देखिए ए और बी में किसकी वैल्यू बड़ी है, ए छोटा है तो B1 बड़ा है, तो B1 में से B नेट निकालना है बेटे, बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड में से छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो। लो जी आ गया आंसर, बोलो कोई मुश्किल है क्या। इसलिए कह रहा हूं जब भी आपके पास कैसा भी न्यूमेरिकल क्यों ना आ जाए, आपको पार्ट्स में डिवाइड करना, और ये बात बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो पार्ट्स में होते आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनके कारण 0 बनने वाला है, जैसे कि कल आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देते, मतलब जाते जाते एक न्यूमेरिकल देता हूं, देखिए कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए भाई, कैसा भी, रटना तो है ही नहीं हमें, ये इनफाइनाइट वायर है बेटे, इनफाइनाइट वायर ऐसे समझिए, ये लो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है, ठीक है ना, ये रेडियस आर है, ऐसे यहां से करंट आया, आई 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 करंट है, बताओ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब आपको क्या करना है, देखिए इस वाली वायर के सामने पॉइंट आ गया 0, इस वाली वायर के सामने पॉइंट आ गया 0, तो आपको तो इसके कारण निकालना है। अब इसके कारण कैसे निकाले, जिस पॉइंट पे निकालना है इस फिगर के दोनों आर्क को ज्वाइन कर दो, एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी एंगल आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू अल्फा कर देंगे, विल गेट द आंसर, और डायरेक्शन कर्ल फिंगर है बाहर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आ जाएगी। चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते भी, और मैं देखता हूँ बहुत बच्चे रिप्लाई भी करते हैं, सो पढ़ने का एक ही तरीका बेटा, जितना अच्छा रिप्लाई करेंगे, जितना साथ के साथ
आप कम्युनिकेट करते हो उतना ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए ये लाइव सेशन रखा जाता है कि आप लोग इंटरेक्ट करेंगे और हमें आपकी जहां पर भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो ये होगा कि आप लोगों को बता देंगे बस एक बारी, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी आपको दोबारा तिबारा करके देखना पड़ेगा। लेकिन एक ही यही रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि एग्जैक्टली 2 o'clock आपके पास अगर लिंक नहीं भी आता तो आप पार्ट टू पिनेकल वाले यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए, आपको लाइव क्लासेस ऑनगोइंग चलती मिलेगी, एग्जैक्ट 2 o'clock आ जाएंगे तो आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोगों को पूरे लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा। और ये पक्की बात है अगर आप रेगुलरिटी से दिल के साथ बैठेंगे, ये सोच के बैठेंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो देट इज फॉर श्योर आपका लेवल जरूर इनहांस कर देंगे। बट अगर आपको यही लेना है कि यार बोरिंग है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती बिठा दिया है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने का, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन न्यूटन साहब भी आ जाएंगे ना आपको पढ़ाने के लिए, आप उनसे भी नहीं पढ़ने वाले। तो आप बड़े डेडिकेटेड वे में पढ़ने की कोशिश करना। अभी जैसे लेक्चर हो गया, अगर आपको एक बार रिवाइंड करके देखना हो, चीजें रिवाइज करनी, तो आप कर सकते हो। मेक योर नोट्स और नोट्स बनाइए पूरा थियोरटिकल प्लस न्यूमेरिकल जितना भी है। हमारी अप्रोच, मेरी अप्रोच ये रहती है पढ़ाने की कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर करता हुआ चला जाऊं, क्योंकि थ्योरी तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत इजीली देख के पढ़ लेता है। डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन आप लोग बुक्स देखेंगे तो आप लोगों को डेफिनेशन भी आ जाएगी। बट हमारा मेन फोकस रहता है कि IIT JEE प्लस CBSE। CBSE अब इजी नहीं रहा, इस बार भी 35 नंबर के न्यूमेरिकल्स आए थे, तो CBSE अपना लेवल धीरे धीरे टफ करता जा रहा, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे IIT JEE बैठना है, IIT मेंस एग्जाम मतलब क्लियर भी करना है, तो आपको CBSE भी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो बेटे, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप स्टार्टिंग, और सबसे अच्छी बात अपने आप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।